यह है कूलपैड कूल प्ले 6 जो कि 6GB रैम के साथ आता है और कीमत है सिर्फ 15,000 रुपये। चलिए देखते हैं कि इस फोन में 6GB रैम के अलावा और क्या क्या खास बातें हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपांकर और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कूलपैड के कूल प्ले 6 के बारे में जो कि आज ही इंडिया में लॉन्च किया गया है। और ये फ़ोन है 6GB रैम के साथ आने वाला सबसे सस्ता फ़ोन और कीमत है सिर्फ 15,000 रुपये। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको कूल वन डुअल की याद दिलाएगा जो कि कुछ महीने पहले इंडिया में लॉन्च किया गया था। डिजाइन इस फोन की बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप डिस्प्ले के ऊपर देखें तो यहाँ फ्रंट कैमरा है, और डिस्प्ले के नीचे आपको मिलती हैं 3 बैकलिट कैपेसिटिव कीज। दाएं तरफ देखें तो यहाँ वॉल्यूम रॉकर है, पावर बटन है, और बाईं तरफ यहाँ सिम कार्ड स्लॉट है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ ऑडियो पोर्ट है, और नीचे की तरफ USB टाइप सी और स्पीकर है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ डुअल कैमरा सेटअप है, उसके नीचे यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और डुअल कैमरा सेटअप के दाईं तरफ यहाँ डुअल कलर LED फ्लैश है। बिल्ड क्वालिटी इस फोन की बहुत ही बढ़िया है। एजेस पे यहाँ कर्व होने की वजह से इसको पकड़ने में आपको अच्छा फील होगा, लेकिन इस फोन का वेट थोड़ा ज़्यादा है और इसका वेट है 172 ग्राम। इस फोन के डिस्प्ले के चारों तरफ ये चौड़े बेजल्स हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, ये थोड़ा और कम होने चाहिए थे। अब अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो यहाँ 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। कलर रिप्रोडक्शन ठीक है, व्यूइंग एंगल्स ठीक हैं, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिव नेचर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप आउटडोर पे हैं तो ये दिक्कत करता है। अगर आप ब्राइटनेस बिल्कुल मिनिमम कर दें तो आप शायद ही स्क्रीन पे कुछ देख सकें। ये रिफ्लेक्शन इंडोर पे तो उतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप कोई वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आप इस रिफ्लेक्शन को महसूस कर सकें, और आपको डिस्प्ले पे वीडियो के अलावा अपनी शक्ल की परछाई भी दिखने लगेगी। इसीलिए इस फोन के डिस्प्ले से मैं कुछ खास प्रभावित नहीं हुआ। अब अगर बात करूँ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की तो इस फोन में आपको मिलती है जर्नी UI जो कि एंड्रॉयड नोगा बेस्ड है। इस बार कंपनी ने एक नई UI का इस्तेमाल करा है, इसीलिए मुझे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि एक नई UI है इसीलिए कुछ सॉफ्टवेयर इशूज मुझे देखने को मिले। ये एक डेमो यूनिट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रिटेल यूनिट मार्केट में आएगी उसमें जो जर्नी UI मिलेगा वो थोड़ा स्टेबल होगा और सॉफ्टवेयर इशूज कम होंगे। जर्नी UI में आपको डुअल स्पेस फीचर मिलता है, जिससे आप 2 व्हाट्सएप, 2 इंस्टाग्राम या 2 फेसबुक अकाउंट एक साथ एक फोन में चला सकते हैं। इसमें बहुत ही मिनिमल ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, लेकिन कुछ ब्लॉटवेयर्स हैं। कूल प्ले 6 में आपको मिलता है octa-core स्नैपड्रैगन 653 प्रोसेसर और एडीनो 510 GB। 6GB रैम होने की वजह से इस फोन की मल्टीटास्किंग बहुत ही बढ़िया है, और हैवी ऐप्स या मल्टीपल ऐप्स अगर आप एक साथ चला रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि सॉफ्टवेयर इशूज की वजह से थोड़ा एक्सपीरियंस में दिक्कत आई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगली अपडेट में वो इशूज फिक्स हो जाएंगे। हालांकि मैंने गेमिंग ट्राई नहीं करी, लेकिन जितना भी मैंने इस्तेमाल करा उतने में मुझे इसमें किसी तरह का हीटिंग इशू नहीं लगा। इसका गेमिंग रिव्यू और फुल रिव्यू मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर बात करें स्टोरेज की तो यहाँ आपको 64GB का स्टोरेज मिलता है जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन USB OTG का सपोर्ट है। इस फोन में डुअल कैमरा सेटअप है, जैसा कि आपको कूल वन डुअल में देखने को मिला था, और उस फोन का कैमरा मुझे बहुत पसंद आया था। वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर है। यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल्स के 2 कैमरा सेंसर मिलते हैं पीछे की तरफ, और सामने की तरफ मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा। कैमरा ऐप भी मिनिमल है, जहाँ आपको डिफरेंट कैमरा मोड्स, कैमरा इफेक्ट्स मिलते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन इस फोन का है जिसका SLR मोड, जिससे आप बोके इफेक्ट खींच सकते हैं। इस फोन का फुल कैमरा रिव्यू मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ कैमरा सैंपल्स अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, और इस फोन के बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि काफ़ी बढ़िया काम करता है। यहाँ पर आपको 4G विद वॉइस ओवर LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और USB टाइप सी जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं। 4000mAh की बैटरी है जो कि बढ़िया परफॉर्म करती है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूँगा इसके फुल रिव्यू में। ये तो हुई बात कूलपैड कूल प्ले 6 की। इसके डिस्प्ले और UI से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा इस फोन का बढ़िया है। लेकिन अभी भी मैंने इस फ़ोन को केवल 2 दिन इस्तेमाल करा है, और मुझे और टाइम चाहिए इस फ़ोन के बारे में और जानने के लिए। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जल्दी ही मैं आपको इस फ़ोन का कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू और फुल रिव्यू लेके आऊँगा। आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं ये बताइए हमें नीचे कमेंट में। अगर आपको इस फोन के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सारे सवालों का जवाब अपने आगे के वीडियो में ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।